हाय एवरीवन, टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है बेटा, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको पहले देख लीजिए, तभी आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आएगा। ओके, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बेटा, क्या था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था बेटा डक्टिलिटी, हमने पढ़ा था मेलेबिलिटी, हमने पढ़ा था क्या बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोनरस, सोनोरिटी, ओके, डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंडक्शन, ओके, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो मेटल आर मैलिएबल, मेटल आर मैलिएबल, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर हाई डेंसिटी एंड जनरली हार्ड एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। मेटल जनरली बेटा सॉलिड होता है, हार्ड होता है, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी इज द लिक्विड मेटल एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बाकी सभी कैसे होते हैं बेटा सॉलिड स्टेट में। ओके, मेटल आर हाई एम पी एंड बी पी एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, ओके, मेटल हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम का एक्सेप्शन है बेटा क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, इनको इवन आप नाइफ से कट कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो। मेटल की डेंसिटी हाई होती है, क्या हाई होती है बेटा? मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये बेटा बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजिली फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, सोनरस नेचर होता, कैसे होता है बेटा? में सोनरिटी होता है, लस्चरस होते हैं। सोनरिटी का मतलब अगर इसको हार्ड मटेरियल से स्ट्रक करोगे तो इसमें रिंगिंग साउंड निकलेगा, किसमें बेटा? मेटल में। लस्चरस मतलब इसमें बेटा शाइनिंग सरफेस होता है मेटल में, क्या होता है? शाइनिंग सरफेस, मेटल जनरली चमकते हैं, उनमें शाइनिंग सरफेस, कोई अगर लाइट पड़ेगा तो उसमें क्या होगा बेटा? चमक आएगा, ओके। मैलिएबल होते हैं, कैसे होते हैं बेटा? मैलिएबल, मैलिएबल मतलब पीटने पर थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं। डक्टाइल मींस खींचने पर वायर में कन्वर्ट होते हैं, ओके, ये सब हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट होती है बेटा मेटल की। नॉन मेटल आर नॉर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल इन नेचर, ब्रेक करने, इसको पीट हैमरिंग करने पर ब्रेक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा? मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन क्या था बेटा? डायमंड एंड ग्रेफाइट। मेटल आर नॉन सोनरस मतलब, और मेटल जो एग्जिस्ट करते स्टेट जो होता है नॉन मेटल का, वो तीनों होता है बेटा सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो इनका स्टेट होता है वो क्या होता है बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो मेटल आर नॉन लस्चरस, कोई लस्चर, नॉन मेटल आर नॉन लस्चरस, कोई लस्चरस नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो इसमें लस्चर होता है, ओके। मेटल आर जनरली, मेटल हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। तो नॉन मेटल एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्शन क्या है बेटा? डायमंड, डायमंड वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस, इवन मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, यहाँ भी एक्सेप्शन है डायमंड एंड डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या उतना कितना होता है बेटा? बहुत हाई होता है, अबव 3500 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इस वीडियो में बेटा हम आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो आज का आपका टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
ओके। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं बेटा? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ओके, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल की जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन से वो डिफरेंट है। डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट कंडीशन ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी है मेटल की डिफरेंट, डिफरेंट मेटल की डिफरेंट है। कुछ बेटा वाइग्रेसली रिएक्ट करते हैं, कुछ स्लो रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल जो ऐसे हैं रिएक्ट करते ही नहीं ऑक्सीजन से। समझ में आ रहा है? कुछ मेटल जो होते हैं बहुत वाइग्रेसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, कुछ स्लो रेट से रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल ऐसे हैं जो रिएक्ट करते ही नहीं ऑक्सीजन से। कौन नहीं रिएक्ट करता बेटा? गोल्ड HG, ओके, गोल्ड HG और AG, ये मेटल से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। इनका ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होता, या होता है तो बहुत स्लो रेट से, बहुत रेट जो होता है बहुत स्लो होता है, तो ऐसा हम कहते हैं कि इनका रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं होता, या ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। ओके, कौन वाइग्रेसली बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं बेटा? सोडियम एंड पोटेशियम, इनका जो रिएक्शन है ऑक्सीजन से बहुत तेजी से होता है। क्या बनाते हैं बेटा? ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। क्या होगा रिएक्शन बेटा? सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड Na2O। बैलेंस कर लीजिए बेटा, दो ऑक्सीजन यहाँ है Na2O, ओके, टू ऑक्सीजन, फोर सोडियम, ओके। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वाइग्रेसली इन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं बहुत तेजी से बेटा, और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। तो नोट कर लीजिए इसको, तो डिफरेंट मेटल सो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। डिफरेंट मेटल की जो ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वाइग्रसली, ओके, फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ओके, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। ये बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव, दे रिएक्ट वाइग्रसली फॉर्म ऑक्साइड। यही रीजन है कि इनको बेटा ओपन नहीं रखा जाता। इफ़ केप्ट ओपन सो दे आर कैच फायर, इनको ऐसे ओपन एयर के एक्सपोज में नहीं रख सकते। अगर एयर के एक्सपोज में इसको रखोगे बेटा तो ये क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे, कैच फायर हो जाएंगे, ओके, जलने लगेंगे, ओके। यही रीजन है कि इनको ओपन नहीं रखा जाता। कहाँ रखा जाता है बेटा? केरोसिन ऑयल में, इमर्स केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। किसको बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम, दे आर वेरी रिएक्टिव। इफ यू केप्ट ओपन से दे सो दे आर कैच फायर, सो दैट्स रीजन दे आर इमर्स इन केरोसिन। कहाँ रखा जाता है बेटा? केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है, डुबोकर रखा जाता है, ओके। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड लेड आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मैग्नीशियम का बेटा, एल्यूमिनियम का, लेड का कि ऊपर जो सरफेस होता है वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? ऑक्साइड, और फर्दर ऑक्सीडेशन से उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। जैसे बेटा मैग्नीशियम, सपोज करिए दिस इज द मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम क्या किया बेटा? ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो अपने ऊपर जो सरफेस पर एक ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा? ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लिया, ओके,
ऑक्सीजन से रिएक्ट करना होता है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मैग्नीशियम एक बार ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर, अपने सरफेस पर एक लेयर बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, प्रिवेंट करेगा। ऐसे एल्यूमिनियम बेटा, एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम मेटल है रिएक्ट विद ऑक्सीजन, थिन लेयर, एक थिन लेयर अपने ऊपर क्या बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी प्रिवेंट होता है फर्दर ऑक्सीडेशन से। तो बेटा एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशियम, लेड रिएक्ट विद ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइज, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं अपने ऊपर और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता उनमें। ओके, नेक्स्ट बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन से ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, साल्ट और वाटर, दो ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड बेटा, जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, जनरली मेटल ऑक्साइड, जनरली मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर होती है, बेसिक नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली, जनरल जनरल में बात कर रहा हूं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर। जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, मे बी न्यूट्रल भी हो सकता है बेटा, मे बी न्यूट्रल, बट जनरल जो होता है जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों नेचर का होता है, और सारे ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों नेचर का होता है, किस नेचर का बेटा, दोनों। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये बेटा एम्फोटेरिक होता है, क्या होता है एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम तो मेटल है बट इसका ऑक्साइड जो है ये दोनों नेचर शो करता है, ये एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है एज वेल एज बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, साल्ट एंड वाटर। ओके, और सारे ऑक्साइड मेटल की सिर्फ बेसिक नेचर होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर होते हैं, वो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, ये बेस से नहीं। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक होता है, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक कहते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके क्या बनाए बेटा, साल्ट एंड वाटर, यानी दो ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड बेटा, एम्फोटेरिक। कैसे रिएक्ट करता है, देखिए रिएक्शन देख लीजिए बेटा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, फॉर्म साल्ट AlCl3 प्लस H2O। ओके, कौन सा एसिड, कौन सा साल्ट फॉर्म किया बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, बैलेंस कर लीजिए, दो यहाँ कितने एल्यूमिनियम बेटा, दो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए बेटा, यहाँ सिक्स क्लोरीन, सिक्स से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, कितने हाइड्रोजन, सिक्स हाइड्रोजन, थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया आपका रिएक्शन। समझ में आया बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन विद एसिड समझ में आया, क्या बना, साल्ट और वाटर, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका मतलब ये बेस से भी रिएक्ट करेगा, Al2O3 प्लस बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा बेटा, साल्ट क्या बनेगा, एक बहुत ही बेहतरीन साल्ट बनता है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये नेचर क्या है बेटा इसका, एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिड से रिएक्ट किया साल्ट और वाटर बनाया, अब ये बेस से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, साल्ट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, दिस इज द साल्ट। कैसे फॉर्म हुआ बेटा, रिएक्शन विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद सोडियम, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट
AlO2, सोडियम मेटा एल्युमिनेट। बैलेंस कर लीजिए बेटा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई करके इसको आप बैलेंस कर लेंगे। ओके, तो बेटा आई होप कि ये केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा, रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद ऑक्सीजन की, आपको समझ में आया हो। क्या पढ़ा बेटा? ऑक्सीजन में क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल की रिएक्टिविटी जो होता है बेटा ऑक्सीजन से डिफरेंट होता है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, वाइग्रसली तुरंत रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ मॉडरेट, कुछ रिएक्शन स्लो होता है, एक बार होता है उसके बाद नहीं होता है। लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लेड, एक बार रिएक्शन हो गया, एक बार ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया, ऑक्साइड बन गया, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि अपने ऊपर एक थिन लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? उस ऑक्साइड का थिन लेयर। उसके बाद आप कुछ मेटल जो होते हैं जो रिएक्ट करते ही नहीं, लाइक गोल्ड, मरकरी, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ओके, एंड सम मेटल, और जनरली मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, एंड कुछ ऑक्साइड ऐसे मेटल के हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। क्या होता है बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड? दैट ऑक्साइड हुज रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल हमने आपको बताया एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है बेटा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ओके, थैंक यू।